बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडस्ट्री स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने पेपर शुरू किया था CTIT का। ये पेपर इंटेस्ट के जरिए 23 जनवरी 2021 को IT टीचर्स के लिए हो चुका है। इसके 2-3 पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें इंग्लिश पार्ट था और उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज और सब्जेक्ट पार्ट का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें 41 से 55 तक क्वेश्चन थे और आज सब्जेक्ट पार्ट का पार्ट 2 है और इसमें टोटल बाकी जितने भी क्वेश्चन है उसको कवर कर लेते हैं। दोस्तों, जो पार्ट्स हो चुके हैं उनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं, आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 से। देखिए, ये सब्जेक्ट पार्ट है और इसके 55 तक क्वेश्चन हम ऑलरेडी हल कर चुके हैं। आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 से। दिस इज क्वेश्चन नंबर 56। अ वेल डिफाइंड लिस्ट ऑफ स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम रिटन इन अ नेचुरल लैंग्वेज इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड एल्गोरिदम। उसको एल्गोरिदम कहते हैं। दोस्तों, फ्लोचार्ट इसमें है ना, ये तो सिंबल्स में होता है और प्रोग्राम जो है दैट इज नॉट रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज, दे आर रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 57 देखे। 57, डीप नॉलेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड टू राइट प्रोग्राम इन अ लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेजेस इंतहाई पावरफुल लैंग्वेजेस होते हैं एज कंपेयर टू हाई लेवल लैंग्वेजेस, और इसके लिए दोस्तों इन डीप नॉलेज की जरूरत होती है हार्डवेयर को समझने के लिए, क्योंकि ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं विद हार्डवेयर। एंड दीज आर, और इसको लिखना जो है हर किसी की बस की बात नहीं है। अब तकरीबन ये नापैद हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 58, अ सिस्टम सॉफ्टवेयर डेट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड इनटू मशीन लेवल ऑब्जेक्ट कोड दैट इज कॉल्ड कंपाइलर। क्या है? कंपाइलर है। इंटरप्रेटर जो है ना, दिस इज यूज्ड इन GW बेसिक आई थिंक। कंपाइलर जो है हाई लेवल लैंग्वेज में, और ये सोर्स कोड को टोटली पढ़ के उसको ट्रांसलेट कर लेता है, और लिंकर जो है ना ये क्या करता है, ये एग्जीक्यूटिबल फाइल क्रिएट करता है। और IDE ये तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, ये इसमें नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 59 देखे। 59 नंबर क्वेश्चन, इन सी प्रोग्रामिंग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट विद हैश कैरेक्टर। ऑप्शन डी जो है ना, इसको नंबर साइन भी कहते हैं और हैश साइन भी कहते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कंप्यूटर लैंग्वेजेस सी और C++ में जब हम मेन फंक्शन से पहले जो डायरेक्टिव्स लिखते हैं दे आर कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, जिस तरह हैश इंक्लूड iostream.com वगैरह वगैरह। 59 में ऑप्शन डी करेक्ट है। एंड सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 60 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट क्वालिफाई टू बी द नेम ऑफ वेरिएबल इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में वेरिएबल का नाम लिखने के जो असूल हैं, उसमें आप ये लफ्ज नहीं लिख सकते। यू कांट डिफाइन अ वेरिएबल नेम विद डिफाइन, क्योंकि डिफाइन खुद डिफाइन करता है एक वेरिएबल को।
तो इस तरह हम नहीं रख सकते, ये नाम नहीं रख सकते, बाकी एज नेम एंड एड्रेस रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, 61 नंबर क्वेश्चन कहता है which of the following is true for a variable defined with keyword const and initialized to a variable in C language? एक होता है वेरिएबल और दूसरा कांस्टेंट। कांस्टेंट वो चीजें होते हैं जिसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, और वेरिएबल्स वो जिसकी वैल्यूज वक्तन फवक्तन तब्दील हो सकते हैं। जिस तरह हमारे रियल लाइफ्स में कीमतें जो हैं ये वेरिएबल हैं, कभी कीमतें बढ़ती हैं कभी घटती हैं, और अगर हम कहें कि परंतु 1 kg में 1000 ग्राम है, तो ये 1000 ग्राम जो है ये कांस्टेंट है, ये हमेशा यही रहेगा। C++ में अगर हमने कांस्टेंट को डिक्लेयर करना है तो उसके साथ कीवर्ड कांस्ट लिखना पड़ेगा, और कहते कि इसमें वो कौन सी बात ट्रू है इसके लिए, तो इसमें ऑप्शन सी देखे, कैन नॉट बी चेंज विद इन द स्कोप ऑफ द वेरिएबल ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ये ट्रू है इस बारे में, बाकी वो फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 62 देखे, इन सी लैंग्वेज द फंक्शन गेट कैरेक्टर क्या करता है? गेट चार की मानी है गेट कैरेक्टर। गेट कैरेक्टर करता क्या है? इट और रीड्स कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड विदाउट इको, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। एंड सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 63 देखिए दोस्तों, इन सी प्रोग्रामिंग द लूप दैट इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वन टाइम इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स इज कॉल्ड डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप को बॉटम टेस्टिंग लूप भी कहते हैं। ये रन होता है और बॉटम में वो टेस्ट होता है कि ट्रू है कि फॉल्स, तो कम अज कम एक दफा रन लाजिमी होता है। जिस तरह आपको अगर आप को मैं कहूं कि आप परस करें आपने टेस्ट दिया हुआ है और आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और अभी आपको पता नहीं कि आपने टेस्ट को क्वालिफाई किया है कि नहीं, तो इसमें डू वाइल का मतलब आप उधर सेंटर में जाके वहां पर कंफर्म कर ले कि मैंने टेस्ट क्वालिफाई किया है कि नहीं, तो आप सेंटर चले गए, ठीक है, वंस कम अज कम चले गए। और दूसरा ये कि आपको घर पर पता है कि मैंने टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया तो आप नहीं जा रहे हैं, तो वाइल की बात है। इसी तरह ये वो होता है कि सी और सी प्लस प्लस में टॉप टेस्टिंग लूप और बॉटम टेस्टिंग लूप, और डू और वाइल में यही फर्क है। वाइल का लूप जो है वो उसको टॉप पे टेस्ट कर लेता है, अगर ट्रू है तो रन करेगा अदरवाइज नहीं रन करेगा। डू जो है एक दफा लाजिमी रन होगा और बॉटम में टेस्ट होगा, अगर मजीद ट्रू है तो मजीद भी रन होगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 को। अब इसमें 64 से लेकर 69 तक ये 5 क्वेश्चंस डिम है, नजर नहीं आ रहे, तो इसको किसी और वक्त पर छोड़ लेते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 पर, सॉरी वहां पर 804 क्वेश्चन थे। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 69। अ यूनिक एड्रेस फॉर अ फाइल दैट इज एक्सेसिबल ऑन द इंटरनेट इज आईपी एड्रेस। ये आईपी जो होता है ना ये यूनिक होता है दोस्तों, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, मेक एड्रेस, आईपी ऑप्शन भी इस करेक्ट है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 70 देखे, द नंबर ऑफ हेडिंग टैग्स लेवल इन हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML में जो आप टैग्स लिखते हैं, तो इसके लिए आपने जो हेडिंग जो है ना हेड 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हेडिंग डिक्लेयर कर सकते हैं, उसका लेवल 6 तक जाता है, और यही 6 जो है ना ये एमएस वर्ल्ड में भी है, वो एमएस वर्ल्ड में भी हेडिंग जो है वो 6 तक है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, टू रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द चेक
बैंक्स मोस्टली यूज मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 72 जो है, मेन मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, जिसको रैम कहते हैं, टेम्परेरी मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, ये तमाम चीजें इसको कहते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी है. क्वेश्चन नंबर 73 देखे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स. एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर जो हैमर लाइक स्ट्राइकिंग करता है, तो जिस तरह हथौड़े को हम लगाते हैं वो आवाजें करते हैं. तो ये पुरानी कंप्यूटर प्रिंटर्स थे, अब ये तकरीबन नायाब हो गए हैं. अब लेजर प्रिंटर्स तमाम के तमाम आ रहे हैं, एंड दिस इज नॉट अ नॉन कम्पैक्ट प्रिंटर. बाकी जो है ना चैन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स और ड्रम प्रिंटर, ये तमाम के तमाम इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं. 74 नंबर क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक मेमोरी. मैग्नेटिक मेमोरी हार्ड डिस्क वगैरह वगैरह जो है ना, दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक. रीड ओनली, उसमें से हम सिर्फ रीड नहीं कर सकते बल्कि उस पर राइट भी कर सकते हैं. तो दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक मेमोरी. आगे चलते क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं दोस्तों. 75 नंबर क्वेश्चन को देखें, L3 कैश जो है दोस्तों, दिस इज देखिए ऑप्शन डी को, दिस इज स्लोअर देन L2 कैश बट फास्टर देन रैम. ये L2 कैश स्लो लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी से फास्टर होते हैं. और क्वेश्चन नंबर 76 जो है ना दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैंने ट्राई की सर्च करने की लेकिन कोई मौजू आंसर मुझे नहीं मिला इसका. लिहाजा अगर किसी को इसका करेक्ट ऑप्शन पता है एग्जैक्टली, तो प्लीज जल्दी से मुझे कमेंट्स में लिख दें. क्वेश्चन नंबर 77 देखे, 77 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्टिकल डिस्क. ऑप्टिकल डिस्क फ्लॉपी डिस्क जो है ना, और ये फ्लॉपी डिस्क अब मौजूद नहीं है, हमारे दौर में हुआ करते थे, अब ये नायाब हो चुके हैं. दिस इज नॉट एन ऑप्टिकल डिस्क. बाकी सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, दीज आर ऑप्टिकल डिस्क. और क्वेश्चन नंबर 78 देखे, इनकोडिंग पाथ ऑन ऑप्टिकल डिस्क इज मोस्ट ट्रैक. ये जो होता है दोस्तों, ये इनर की तौर पर एक्सटेंडेड होता है टू आउटर की तरफ, स्पिरल एक्सटेंडिंग फ्रॉम इनर मोस्ट टू आउटर. ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है. और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ. 79 नंबर क्वेश्चन देखे दोस्तों, फ्लैश मेमोरी इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ व्हाट. फ्लैश मेमोरी इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ EEPROM, इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ऑप्शन सी करेक्ट है. और क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, 80 नंबर क्वेश्चन, मेन प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ CPU इज. ये तो इजी है, एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. ऑप्शन डी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 81 देखे, 81 नंबर, कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा सेट्स आर फाइल इज कॉल्ड व्हाट. दैट इज कॉल्ड डेटाबेस. डेटाबेस इज अ लॉजिकली रिलेटेड सेट ऑफ डेटा और फाइल्स और रिकॉर्ड्स. ऑप्शन डी सी करेक्ट है इसमें. एंड क्वेश्चन नंबर 82 देखे, 82 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस. डेटाबेस में डेटा इक्विजिशन, दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ
डेटा बेस, बाकी इंटीग्रेशन, इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंट, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस, और प्रॉपर्टीज भी हम उसको कह सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 83, अ डेटाबेस मॉडल डेट हैज अ जनरल अपीयरेंस लाइक एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड हायरार्किकल मॉडल. उसको हायरार्किकल मॉडल कहते हैं. ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इस तरह होते हैं, इस तरह, ठीक है दोस्तों. और ये हायरार्किकल मॉडल जो होते हैं वो भी इसी तरह के होते हैं. ये इसमें से इस तरह ये. क्वेश्चन नंबर 84 देखे, 84 नंबर क्वेश्चन. इन ऑर्डर टू क्रिएट टेबल स्टोरिंग, रिट्रीविंग और अपडेटिंग डेटा इन अ डेटाबेस, द स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज्ड इज. इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं यूज होता, एनी हाई लेवल लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए. और आजकल दुनिया में सबसे पावरफुल हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो ऑरेकल है दोस्तों. यहां पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है. क्वेश्चन नंबर 85 देखे, 85 नंबर क्वेश्चन. अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इंटायर डेटाबेस. डेटाबेस की बात हो रही है, इज कॉल्ड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. ही इज कॉल्ड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. एंड क्वेश्चन नंबर 86 देखे, 86 नंबर. अ प्रोग्राम डेट कंबाइंस डिफरेंट लाइब्रेरी फाइल टू ऑब्जेक्ट फाइल्स टू जेनरेट एग्जीक्यूटिबल फाइल, दैट इज कॉल्ड लिंकर. इस बारे में तो मैं पहले बता चुका हूं आपको, उसको लिंकर कहते हैं. कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है. और एडिटर तो वो जगह जहां पर हम अपने प्रोग्राम को लिखते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम को तो ऑलरेडी जानते हैं आप. क्वेश्चन नंबर 87 देखे, 87 नंबर क्वेश्चन. इन अ सी लैंग्वेज प्रोग्राम स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज सेमी कॉलन. हर स्टेटमेंट के बाद जब उसको टर्मिनेट करना चाहते हैं तो सेमी कॉलन लगाना लाजिमी होता है, अदरवाइज द प्रोग्राम विल गिव एरर. और एरर कब देता है? ड्यूरिंग कंपाइलेशन. क्वेश्चन नंबर 88 देखे. इन सी प्रोग्रामिंग सिंबल यूज फॉर लॉजिकल एंड ऑपरेटर इन अ स्टेटमेंट इज. ऑप्शन सी जो है ना, दिस इज लॉजिकल एंड, और ऑप्शन डी जो है दिस इज लॉजिकल और. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी है. 89 नंबर क्वेश्चन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है प्रोग्राम का. जिस तरह परस करें हम मकान बना रहे हैं तो मकान के लिए पहले हम क्या करते हैं? नक्शा तैयार करते हैं, उसका डिजाइन तैयार करते हैं ग्राफिकली. सिमिलरली प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने से पहले उसके लिए फ्लो चार्ट्स बनाए जाते हैं. और क्वेश्चन नंबर 90 जो है, 90 नंबर क्वेश्चन. अ टेबल इन डेटाबेस मस्ट हैव प्राइमरी की. प्राइमरी की जिसके जिससे हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं वेरियस रिकॉर्ड. सिमिलर पाकिस्तान में तमाम पाकिस्तानियों का शनाख्ती कार्ड जो है दिस इज प्राइमरी की है. और इसके साथ जो सब्जेक्ट था वो खत्म हो गया. और इसके बाद 10 क्वेश्चन इस्लामियात के हैं, तो इसको इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा. आज की वीडियो जिन दोस्तों को पसंद आई, समझ गए, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को क्लिक भी करना है. वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.